दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सफल लोग और असफल लोगों में कुछ अंतर होता है। सफल लोग क्या करते हैं, हमेशा फोन उठाकर खुद बात करने की कोशिश करते हैं, और असफल की क्वालिटी क्या है, फोन को बजने का इंतजार करते हैं वो। और अपलाइन बोलेगा आज कहीं गया नहीं, बोलेंगे सुबह सर आपका फोन आया ही नहीं, समझ आ रहा है। दूसरा, किसी भी काम को टालते नहीं, ये क्या करते हैं, काम को आगे खिसका देते हैं और मजे करते हैं। छोटे छोटे मजे में इनको बड़ा मजा आता है, काम को टालने खिसकाने में इनको बहुत आनंद आता है। हमारा भी मन करता था कि सर्दियों में रजाई में बैठे बीवी चाय बना के लाए, पकौड़े खाएं, लेकिन हमको लगता था कि जिंदगी में अगर हम ये पकौड़े खाते रहे, चाय के चक्कर में चले गए, बीवी के चक्कर में चले गए, बीवी की 5 बजे छम छम आए, सुबह 9 बजे हमें जगाए, फिर उसके बाद हाथ फेरे, हाथ फेरने के बाद जगाए, फिर लेके जाए, फिर हम वो डंबल की तरह ब्रश उठाएं, फिर हम दांत मांजें, फिर करें, फिर धीरे मजे करें, धीरे धीरे ये सब हो, जिंदगी साला इन छोटे छोटे मजे में निकल जाएगी, बाकी अकाउंट खाली रहेगा, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। हमने ये कभी ना किया, समझ आ रहा है। 28-28 दिन देवेंद्र शर्मा ने 26-26 दिन रातें बसों में और ट्रेनों में गुजारी हैं। मैं बोल रहा हूं आपको, आज भी मेरे में वही ताकत है मेहनत करने की, कुछ भी बोल दो। अजमेर में जाता था, मेरे को याद है, अजमेर में जब जाता था रात को, मैं और टीकेंद्र के पास एक चादर थी। एक दिन बहुत ठंड की रात थी, हम जिसके पास गए 4 बजे हमारी बस वहां पर पहुंच गई, वो पट्टा आया ही नहीं, 7:30 बजे तक फोन ही बंद था उसका, 3.5 घंटा एक चादर में, बहुत ठंड के दिनों में, जनवरी दिसंबर पता नहीं कौन सा महीना था, हम लोग आधी आधी चादर लेके बैठे रहे 3.5 घंटा स्टेशन पर बैठे। तब हमें हिम्मत भी नहीं थी कि हम किसी होटल में जाएं, उतने पैसे नहीं थे कि होटल करें और वहां रुक जाएं। 7:30 बजे वो आदमी आया मटक मटक के स्कूटर लेके, तब हमने बोला चलो कोई बात नहीं सर लेट हो गए, फिर हम उसके साथ गए घर जाके काम किया, बहुत सारा नेटवर्क बनाया, हर परिस्थितियों में रहे, हर चीजों में रहे, कभी हमने कोई बहाना नहीं बनाया, भूखा रहे, भूखे रहे, 3-3 टाइम का खाना हमने लगातार नहीं खाया, किसी भी कीमत पर काम किया, हमको जिंदगी बनानी थी, समझ आ रहा है कि नहीं। भगवान परीक्षा लेगा आपकी, वादा करके निभाते हैं, सफल का ख्याल रखते हैं, इनकी चमड़ी पतली होती है, लेकिन दूसरी तरफ वादे करते हैं सुबह भूल जाते हैं, रात को करेंगे अरे सर अब देखना, अरे सर अभी ये कर देंगे, अरे सर अब देखना पूरी टीम की जिम्मेदारी लेंगे, अरे ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, और सुबह साले दिखाई नहीं देंगे, समझ आ रहा है। वादे करेंगे और भूल जाएंगे, रात को करेंगे भूल जाएंगे, चमड़ी बड़ी मोटी है, कुछ भी सुना लो, कुछ भी बता लो, कुछ भी समझाने की कोशिश करो, गेंडे जैसी चमड़ी है, भाला ला के चुबाओ तो कुछ होने वाला नहीं है इनको, समझ आ रहा है। ये असफल है, भाषण से प्रेरित होते हैं, कई लोग मेरे भाषण से प्रेरित हो रहे होंगे, आज गर्म हो रहे होंगे, यहां से जाके वादा करके जाएंगे अरे सर अब देख लेना आज ऐसी ट्रेनिंग मिली है, अब देखना आप जिंदगी बनेगी, और इतवार के दिन प्लान में ये नदारत रहेगा, आएगा नहीं। वो पूछेगा क्या हो गया भाई, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग थी, उस दिन बातें कर रहा था कि नहीं नहीं वो बात तकलीफ क्या थी, वो ठंड ज्यादा थी ना सुबह, समझ आ रहा है। तो भाषण से प्रेरित होंगे और कसम खाएंगे, लेकिन भाषण में ये क्या होगा, गर्म रहेंगे, कुछ घंटों बाद क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। विरोध के बावजूद सफल होने का जज्बा होगा, विरोध दुनिया में होना ही है, मेरे से लिखवा के ले लो, घर वाले करेंगे, बाहर वाले, पड़ोसी, ये वो। जब मैं आया इस बिजनेस में, आने के बाद मेरे एक पड़ोसी ने बोला देखना जब इसकी कार आएगी, कार आई मेरी 28 सितंबर 2007 को, हम लोग बाहर पूज रहे थे अपने घर के बाहर, पूजा हो रही थी उसकी, और एक पड़ोसी आया और उसने बोला देखना 3 महीने बाद इसकी गाड़ी पुलिस लेके जाएगी, मेरे मुंह पे बोल रहा। मैंने कहा क्यों ले जाएगी भाई पुलिस, कि ऐसी कंपनियों से जो गाड़ियां मिलती हैं ना थोड़े दिन बाद थाने में ही खड़ी होती हैं, समझ आ रहा है। फिर वो इंतजार करता रहा 2-3 साल तक कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, कोई नहीं आई। फिर दूसरी गाड़ी में लेके आया होंडा सिटी, फिर उसको बुलाया, हमने लड्डू खिलाया उसको जबरदस्ती, देख भाई पहली भी है हमारे पास, अब दूसरी भी ले आए, वो भुजवा थाने कब भिजवाएगा इनको, समझ आ रहा है कि नहीं आपका। हर सफल आदमी का लोग विरोध करते हैं, सफल की क्वालिटी एक ही है कि वो विरोध से रुकते नहीं बस, और वो बातों से जवाब नहीं देते, सफल आदमी कर्मों से जवाब देते हैं, काम करके दिखाते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो विरोध के बावजूद सफल होने का जज्बा होता है, इनमें विरोध देते ही कहानी चालू कर देते हैं, विरोध का डर होता है और अगला काम करते हैं, काम बंद कर देते हैं। सफल होने का विश्वास होता है इन लोगों में और हमेशा रहता है, इनको लगता है कि मैं सफल तो हो ही नहीं पाऊंगा। अपनी टीम को वरीयता देना परिवार से भी अधिक, ये सफल लोग जानते हैं, परिवार बोलता रहे, परिवार कुछ भी करे,
आज भी कई लोग मेरे घर आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उनके साथ 3-3 बजे तक योगेश तेरे साथ बैठा रहता हूं रात को, मेरी बीवी का फोन तक नहीं आता सुबह वहां से नीचे से, उसको पता है ये आदमी पागल है, समझ आ रहा है कि नहीं। 3-3 बज जाते हैं मेरे को रात को, कभी योगेश मेरे घर आएगा 3-3 बजे मैं रात तक इसके साथ बैठा रहूंगा, क्योंकि ये आज आया है, बीवी तो मेरे साथ रोज रहने वाली है, समझ आ रहा है कि नहीं। और मेरे को इसको समझाना उत्तरदायित्व तो है मेरा, मैं इसकी जिंदगी में जो भी तकलीफ है उनको निकालना मेरा काम है। तो हम लोग एकदम दीवानों की तरह पागलों की तरह काम करते हैं, परिवार से अधिक टीम को वरीयता देते हैं, और ये क्या करेंगे बाकी सब चीजों को वरीयता देंगे, लेकिन बस किसको नहीं देंगे, टीम को नहीं देंगे। काबिलियत बढ़ाने पर पूरा ध्यान रखेंगे, रोजाना निरंतर प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे सीखेंगे, कुछ तैयारी करेंगे, लेकिन ये दूसरे वाले जो असफल होंगे काबिलियत बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं होगा, कोई सीखने बुलाएगा तुरंत बहाना बना देंगे, पैसा का बहाना बनाएंगे, रोएंगे और कुछ करेंगे और बचने की कोशिश करेंगे, और लास्ट खर्चा करते हैं क्योंकि इन्हें व्यापारी की तरह करते हैं इस व्यापार को, और ये लास्ट में क्या करते हैं हमेशा कंजूसी करते हैं, कहां से बच जाएं। कई बार ट्रेनिंगों में आएंगे लोग टिकट के पैसे मांगेंगे, टिकट के पैसा दे दो भाई साहब, इधर उधर मतलब निकल जाएंगे, बचा जाएंगे, मुंह बचा जाएंगे, और देंगे ही नहीं पैसा, और जो मांगेगा उसको पता चल जाएगा किस कैटेगरी का आदमी है, थोड़े दिन बाद ये जो ना देने वाला है थोड़े दिन बाद दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि पूरा फोकस 200 रुपए बच कैसे जाए इस बात पे है, 2 लाख आए कैसे इस पे कोई तवज्जो नहीं है इसकी, पूरा ध्यान है कि 200 कैसे बचने चाहिए, छोटी छोटी चिंदी चोरी में फंसे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। बहुत ज्यादा मुसीबत है, 200 रुपए है ही नहीं तो बिल्कुल जेब खोल के दिखा दो, जी नहीं है बाद में दूंगा, लिख लो मेरे नाम पे लिख लो, ये कर लो, ईमानदारी से आके दो और कहीं से व्यवस्था करके लाओ, लेकिन काफी सारे लोग हैं जेब में पैसा रहने के बावजूद मुंह छुपाते फिरते हैं, क्योंकि ये कौन किसी कैटेगरी है इनकी, कंजूस है ये, सुबह इनको शाही पनीर खिला दो अभी रेस्टोरेंट में ले जाके तुरंत खा लेंगे, पूरी प्लेट खाएंगे, आप नहीं मंगाएंगे ये पूरी प्लेट, 250 की आए 250 की खाएंगे ये, लेकिन जैसे ही सीखने की कोई बात आएगी, कहीं खर्चा करने की बात आएगी, 100-200 रुपए की कोई बात आएगी, पूरी चिंदी चोरी चालू कर देंगे। ये है जी असफल लोगों की कैटेगरी, वो है सफल लोगों की कैटेगरी, विच इज यू वांट, है क्या चाहिए आपको, सफल चाहिए। मैं आप सब लोगों को ये बातें नहीं कर रहा, क्योंकि जो इस हॉल में बैठा है वो कंप्लीटली सुधरा हुआ है, समझ आ रहा है, और उसको जिंदगी बनानी है, एक आध कोई छोटी मोटी कमी हो तो आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, अपने आप सुधार लोगे, मैं लोगों की बता रहा हूं लेकिन आपको, कि लोग किस तरीके से होते हैं, लोग कैसे आते हैं, कोई भी इसको पर्सनली ना ले, और पर्सनली ले भी ले तो मेरा क्या कर लेगा, पानी गड्ढे में ही रुकता है, समझ आ रहा है, किसी किसी को समझ आ रही होगी कि मेरे लिए कह रहे हैं, तो इसको तेरे को बिल्कुल सही समझ आ रही है, क्योंकि पानी गड्ढे में ही रुक रहा है भाई साहब।